जनपद टिहरी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रीदेव सुमन राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कोरोना संदिग्ध मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिससे नरेंद्र नगर शहर सहित आसपास के गांव में दहशत का माहौल भी है। जिलाधिकारी टिहरी मंगेश गिड़ियाल के निर्देश पर श्रीदेव सुमन चिकित्सालय नरेंद्र नगर को कोविड-19 सेंटर बना दिया गया है। इसीलिए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज का इलाज अब यहीं पर किया जाएगा। इससे पहले कोरोना पॉजिटिव पाए जाने वाले मरीजों को यहां से नई टिहरी सुरसिंगधार कोविड-19 सेंटर में शिफ्ट किया जाता रहा है। सुमन अस्पताल से थोड़ी दूरी पर जनरल ओपीडी के लिए क्षय रोग निवारण अस्पताल में निर्माण और मरम्मत का कार्य जोरों पर है। लगभग 3-4 दिनों में तैयार होने पर जनरल ओपीडी को भी क्षय रोग निवारण अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। क्षय रोग निवारण अस्पताल को जनरल ओपीडी के लिए तैयार करने में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता मोहम्मद आरिफ खान दिन रात निर्माण कार्य की देखरेख में जुटे हुए हैं, जबकि जल संस्थान पेयजल पाइपलाइन का निर्माण कार्य पूरा कर चुका है। विद्युतीकरण का काम भी यहां पर जारी है। होटल में 29 मई को ऋषिकेश में एक क्वारंटीन सेंटर से पेशेंट को हमारे यहां लाया गया था, जिसकी हमने 30 तारीख को सैंपल लिया और उनकी रिपोर्ट आज 3 तारीख को हमें मिली थी जो पॉजिटिव आई है। डीएम साहब के निर्देशानुसार जो है ये जो हमारा श्रीदेव सुमन चिकित्सालय है ये पूरी तरह से कोविड के लिए आरक्षित किया जाना है। उसी के रेफरेंस में हम लोग ये पुरानी एक बिल्डिंग है टीबी हॉस्पिटल के नाम से, इसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है और डीएम साहब के निर्देश हैं कि जो है इसमें ओपीडी और आईपीडी बिल्डिंग से संचालित होगा और वो पूरा एक्सक्लूसिवली कोरोना के लिए रहेगी वो नई बिल्डिंग। तो उसी रेफरेंस में हम लोग यहाँ लगे हैं, 3-4 दिन से लगातार हम लोग यहाँ रात दिन काम कर रहे हैं और जो जो काम हमें बताए गए थे डीएम साहब द्वारा और डॉक्टर जो हैं डॉक्टर लोगों द्वारा, तो हम लोग उनका जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग वो काम पूरा कर लें। संवाद 365 के लिए नरेंद्र नगर से वाचस्पति रयाल की रिपोर्ट।